दोस्तान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि VLC प्लेयर से किस तरह आप एडिटिंग कर पाएंगे अपने वीडियो को, क्या क्या एडिटिंग कर पाएंगे, तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले बता देते हैं, आप VLC प्लेयर में वीडियो के बैकग्राउंड में अपनी फोटो लगा सकते हो, वीडियो चल रहा है उसकी बैकग्राउंड में आप फोटो लगा सकते हो। उसके बाद इस वीडियो में आपने सीखेंगे वीडियो में ब्राइटनेस देना, वीडियो में रोशनी देना, रोशनी कम करना। उसके बाद आप सीखेंगे इस वीडियो में पानी डालना। VLC प्लेयर की मदद से आप किसी भी वीडियो में पानी डाल सकते हैं, ऐसा लगेगा कि वो आदमी जो वो पानी में खड़ा है या पानी में डांस कर रहा है, जो भी होगा वो वीडियो में वो सिर्फ पानी में चले जाएगा। वीडियो को चारों तरफ चारों ओर से क्रॉप करना, वीडियो को ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से क्रॉप कर सकते हो। और वीडियो में कलर देना और हटाना, अगर आपके पास कोई रंगीन वीडियो है तो उसको आप कलर मतलब वाइट में कर सकते हैं, अगर वाइट वीडियो है तो उसको आप रंगीन में कर सकते हैं। और वीडियो में डबल रोल करना, कोई भी वीडियो है उसमें हीरो वगैरह है जो उसको डबल रोल, यानी कि हीरो एक है तो वो डबल हो जाएंगे, एक मकान है तो डबल मकान हो जाएंगे। उसके बाद इस वीडियो में सीखेंगे वीडियो को रोटेट करना, VLC प्लेयर में वीडियो को किस तरह घुमा सकते हैं इधर से उधर, ठीक है, ये सारा चीज़ें सीखेंगे, इससे ज़्यादा भी सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एक VLC प्लेयर में एक वीडियो ओपन कर रखा है, ये VLC प्लेयर, इसमें एक वीडियो ओपन चल रहा है। तो जैसा कि ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो को हमको एडिटिंग करना है VLC प्लेयर में, तो सबसे पहले टूल्स पे यहाँ पे देख रहे हैं मेनू है आपको मिल रहा है, इस मेनू में टूल्स को दबाना होगा या आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई दबाएंगे। तो जैसे आप कंट्रोल ई दबाएंगे तो इस तरह का एक सेंटरफेस आपको खुल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली से कंट्रोल ई दबा लीजिए, कंट्रोल ई दबाएंगे, कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये वीडियो ओपन ही, वीडियो चल ही रहा है। और यहाँ पे एक मिल रहा है आपको वीडियो इफेक्ट, ये देखिए वीडियो इफेक्ट आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, वीडियो इफेक्ट भी क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। सबसे पहला है इमेज एडजस्ट, इस पर क्लिक करना होगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी ब्राइटनेस को यहाँ से इसमें दे सकते हैं, ब्राइटनेस को देख सकते हैं, ये रंगीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से वीडियो की कलर जो वो रंगीन होती बदलती जाती है, देखिए ये ब्लू कलर में वीडियो हो चुका है, अगर आप इधर कर लेंगे तो ये देख सकते हैं आप हरे कलर में ये वीडियो कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो में लाइट आप यहाँ से दे सकते हो, उसके बाद वीडियो को लाइट को आप कम भी कर सकते हो, देखिए मैंने पूरा कम कर दिया, पूरा अंधेरा हो गया, तो इससे हम वीडियो में लाइट भी दे सकते हैं, जो वीडियो अंधेरा है उसमें लाइट भी दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। उसके बाद एक ऑप्शन है क्रॉप, जैसे आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पिक्सल मांगेगा, कितना पिक्सल आप टॉप, कितना पिक्सल लेफ्ट, कितना राइट, कितना बॉटम, यानी कि कितना पिक्सल आप क्रॉप करना चाहते हैं ऊपर से, कितना पिक्सल दाएं से, कितना बाएं से, वो आप यहाँ पे पिक्सल रख देंगे, ठीक है, वो आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद शेप पे क्लिक कर देंगे तब ये वीडियो क्रॉप हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिल रहा है कलर, कलर में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये इसको टिक मार कर लगा देंगे तो यहाँ देखिए ये जो है ये चेंज हो चुका है, ये पूरा हरा में हो चुका है, और यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। उसके बाद कलर इसमें अगर टिक लगाएंगे आप तो ये देखिए पूरी कलर ऊपर में आप कलर रंगीन कर सकते हैं, और यहाँ से आप रंगीन वीडियो को ब्लैक में कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए ये जो ऊपर था इससे आप रंगीन कर पाएंगे वीडियो को, और नीचे अगर इसमें आप कलर टेर होल्ड पे टिक लगाएंगे तो आपका वीडियो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वीडियो में यहाँ से आप लाइट वगैरह दे सकते हैं, और यहाँ पे भी नेगेटिव कलर, नेगेटिव यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं,
जो जिस तरह का आपको वीडियो चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी डिजाइन में ये पेंसिल के जैसा ही वीडियो कन्वर्ट हो चुका है। जिस तरह का आपको वीडियो चाहिए वो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप वीडियो को रोटेज कर सकते हो, तो इस पे टिक लगाएंगे वीडियो को रोटेज करने के लिए। सबसे पहले वीडियो को हम रंगीन कर लेते हैं, तो देखिए वीडियो रंगीन। अब वीडियो को रोटेज करना होगा तो यहाँ पे इस पे ट्रांसफॉर्म में टिक लगाएंगे। अब वीडियो कितना डिग्री रोटेज करना ये हम घुमाना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और एक बात और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आप रोटेज कर लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे जो यहाँ देखिए एक वीडियो यहाँ पे चल रहा है, एक वीडियो यहाँ पे छोटा भी चला है, एक वीडियो तो यहाँ पे बड़ा चल ही रहा है, और इसी का एक कॉपी वीडियो यहाँ पे छोटा में चला है। यहाँ पे टिक मार का अगर लगा देंगे तो वीडियो हट जाएगा, यहाँ पे टिक लगा देंगे तो वीडियो आ जाएगा। उसके बाद एक रोटेज ऑप्शन यहाँ पे एक और मिलता है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे टिक लगाना, इसको आप जिस तरह घुमाना चाहे उस तरह आप यहाँ से वीडियो को रोटेज कर सकते हो इस तरह, ठीक है। इस तरह आप वीडियो को रोटेज भी कर सकते हो। उसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन है ओवरले, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड लोगो, मैंने बताया था बैकग्राउंड में कोई फोटो ऐड करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। ऐड लोगो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, जो भी फोटो लगाना होगा आपको उस फोटो को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और वो फोटो आपकी वीडियो के स्क्रीन पे चलेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब ये फोटो ऊपर में इसको आप नीचे लेना चाहे या ऊपर लेना, यहाँ पे पिक्सल आप बढ़ाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए मेरे पिक्सल बढ़ा रहा हूँ तो टॉप ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 150 देता हूँ तो पूरे नीचे चले आया, यानी 150 दिया मैंने यहाँ चले आया किस तरह। उसके बाद ये देखिए पूरी है, मतलब पूरा ये पूरा फोटो ही दिखा रहा है, अंदर का बैकग्राउंड नहीं दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ जी इसको हम कम करेंगे, ये वाले को कम करेंगे, तो यहाँ देखिए ये वीडियो फोटो जो था ये वीडियो के बैकग्राउंड में जा रहा है, ठीक है। अगर फुल कर देंगे तो फुल फोटो हो जाए, इसको जो कम करेंगे तो ये फोटो वीडियो के बैकग्राउंड में चले जाएगा। उसके बाद यहाँ से इरेजर लगा सकते हैं, तो ये मुझे नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एडवांस में आपको बहुत सारे सेटिंग मिल जाते हैं। देखिए एडवांस में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ये वाला एलईडी, ये 3D जो है, इस पर जो आप क्लिक कर देंगे तो आपके जो वीडियो हैं वीडियो की मोटाइज बढ़ जाएंगे, वीडियो में जितने भी आदमी है उसकी मोटाइज बढ़ जाएगी, तो ये मोटाइज यहाँ से मोटाइज हट लग जाएगा। उसके बाद देखिए मिनोर है, मिनोर पे जैसे आप क्लिक करेंगे जो भी वीडियो है देख लीजिए, वीडियो जो भी है वो डबल रूल हो चुका है, वीडियो में जो भी है डबल रूल है, देख लीजिए डबल रूल है, ठीक है। मिनोर पे क्लिक करें, सभी का डबल रूल हो चुका है, जितने भी आदमी इस वीडियो में सभी का डबल रूल इसमें आ चुका है। उसके बाद एक तीसरा ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए तीसरा ऑप्शन आपको किस तरह दिखने को मिलेगा, ये देख लीजिए किस तरह रंगीन में आ रहा है, और वह रंगीन में आ रहा है, उसी के साथ साथ व्हाइट में भी आपको वीडियो यहाँ पे दिखा रहा है, इस तरह का आपको वीडियो दिखाएगा, ये देख लीजिए। उसके बाद एक चौथा ऑप्शन आपको है, चौथा ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देख लीजिए वो जो वीडियो है वीडियो में सभी घूम रहा है, ठीक है, सभी इस तरह घूमेगा। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वाटर इफेक्ट, तो ये देखिए सभी पानी में चले गए हैं, देख लीजिए इसमें पानी में सभी आदमी हैं, ठीक है। बल्कि यहाँ पानी नहीं, जब मैं वाटर इफेक्ट लगाया तब यहाँ पे पानी आ चुका है। इसी तरह उसके बाद यहाँ पे माउंटेन पे जब सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का चेंजिंग होगा कि इसके स्किन पे, यहाँ पे देख लीजिए स्किन पे ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये तो हो गया, जब आप ये कर लेंगे तो ये आपकी सभी वीडियो पे लागू हो जाएंगे। अब जब भी कोई भी वीडियो आप VLC प्लेयर में आप चलाएंगे तो आपका इसी तरह चलेगा। अगर वाटर आप ऐड कर देंगे तो वाटर ऐड रहेगा। तो इसको आप सेव कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उस स्क्रीन रिकॉर्डर से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो में मैंने वाटर डाल के रिकॉर्ड करके सेव करना चाहते हैं तो Ctrl-E दबाएंगे, वाटर लगाकर मैं इस वीडियो को सेव करने वाला हूँ। तो
तो यहाँ पे देखिए वाटर पे हम लगा दें, यहाँ पे देखिए पानी आ चुका है, वाटर आ चुका है इसमें, ठीक है। ये देखिए पानी है, तो अब इसको हम सेव करेंगे। यहाँ अगर यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये सभी वीडियो पे सेव हो जाए। अब जो भी वीडियो हम करो VLC में ओपन करेंगे, सारे वीडियो में ये आएगा। तो इसलिए कि स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लीजिए, उसके से आप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डर से आप इस वीडियो को ओपन करके जो भी देना चाहते वो लगा दीजिए और वहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर कर लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डर आपका सेव हो जाएगा। तो इसी तरह आप सीख पाए किस तरह कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बहुत बताया, बहुत सारी इसमें खूबियाँ दी गई है, भले एक सेव करने की दिक्कत थी उसको भी आप सेव कर सकते हैं एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप से। स्क्रीन रिकॉर्डर एक सॉफ्टवेयर है, उससे आप यहाँ से कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।